हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम प्रोटिस्टा। लास्ट वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया था? किंगडम मोनेरा। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमारे जो मोस्टली एनिमल्स रखे गए हैं वो सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स रखे गए हैं, और ज्यादा कुछ इनके बारे में किसी बुक में डिफाइन नहीं है। ओके, इनके बारे में ये भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं या नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि इनके कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक होते हैं और कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन फिर भी बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, प्राइमरली एक्वेटिक, कि मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं, ज्यादातर सारे पानी में पाए जाने वाले होते हैं। सेकेंड, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स, कि किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी हमारे यूकैरियोट्स रखे गए हैं वो सब सिंगल सेल है, यानी कि एक सेल से मिलके बने हुए हैं। थर्ड, सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स, कि जो हम हमारी सेल बॉडी यानी कि इनकी जो सेल है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। जो हमारे प्रोटिस्ट होते हैं, सम हैव फ्लैजिला एंड सम हैव सिलिया, उनमें कुछ में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और कुछ में सिलिया प्रेजेंट होता है फॉर द मूवमेंट या फॉर द मोशन, चलने के लिए। नेक्स्ट है इनका हमारा प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली और सेक्सुअली। जो हमारे प्रोटिस्ट होते हैं ये दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। और जो ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन, दो सेल्स का फ्यूजन हो जाता है, जायगोट फॉर्मेशन, और जायगोट बन जाता है। ओके, ये थे हमारे प्रोटिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारे जो किंगडम प्रोटिस्ट है इसमें कुछ क्लासेस को इंक्लूड करा गया है। हमारे किंगडम प्रोटिस्ट में 5 क्लासेस इंक्लूड करी गई हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। ओके, फर्स्ट क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में जो एनिमल्स रखे गए हैं वो हमारे कहलाते हैं डायटोम्स एंड गोल्डन एल्गी। इट इंक्लूड डायटोम्स एंड गोल्डन एल्गी। लेकिन अगर मेनली बात करें कि क्राइसोफाइट्स में कौन से एनिमल्स आते हैं और किसके बेस पे सारे कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, वो है हमारे डायटोम्स। ओके, जैसे कि मैंने आपको भी पहले ही बताया कि किंगडम प्रोटिस्टा में जो एनिमल्स हैं वो सारे मोस्टली कैसे हैं, एक्वेटिक। तो ऐसे हमारे जो क्राइसोफाइट्स हैं वो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है इनका, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स एंड दे आर कॉल्ड प्लैंकटोन, और इसीलिए ये प्लैंकटोन कहलाते हैं। इनका इंपोर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग भी इनका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि दे आर प्लैंकटोन। और प्लैंकटोन क्यों कहलाते हैं ये, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और वाटर करंट की हेल्प से पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, इसलिए इन्हें हम प्लैंकटोन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। जो हमारे क्राइसोफाइट्स होते हैं ये ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाते हैं, और इसीलिए डायटोम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। अपना फूड खुद बनाने के कारण ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेसर कर रहे हैं, तो यानी कि प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं अदर ऑर्गेनिज्म के लिए, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। तो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस कौन कहलाते हैं, हमारे डायटोम्स। नेक्स्ट पॉइंट, इन डायटोम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टूगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। की अब जो हमारे डायटोम्स की सेल वॉल होती है वो इस तरीके से बनी हुई होती है, देखने में ऐसे लगती है जैसे हमारा सोप बॉक्स होता है, बिल्कुल उसकी दोनों जो शेल होती हैं वो ओवरलैपिंग रहती है, एक दूसरे से बंद रहती हैं। और जो ये वॉल्स होती है हमारी, ये एम्बेडेड होती है सिलिका, और ये सिलिका की बनी हुई होती है, कोई सेलुलोज या शुगर की नहीं बनी हुई होती है। ओके, ये थे हमारे क्राइसोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्लासेस डायनोफ्लैजिलेट्स। अब जो हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये हमारे मोस्टली मैराइन होते हैं। ओके, ये हमारे मोस्टली मैराइन होते हैं,
और साथ ही साथ ये भी हमारे फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि अपना फूड अपने आप बना सकते हैं। और सबसे अब इनका जो एक स्पेशल पॉइंट होता है वो ये होता है कि दे अपेयर येलो, रेड, ब्राउन, ब्लू, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। कि इनके सेल्स के अंदर जोन से भी कलर का पिगमेंट होता है, ये हमें उसी कलर्स के दिखाई देते हैं। और ये मोस्टली हमारे ओशियंस में पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी कहीं कहीं ओशन का कलर ऊपर से रेड दिखाई देता है, कहीं ब्लू, कहीं ग्रीन। वो इन्हीं के कारण होता है मोस्टली, कि जिस कलर की उसके अंदर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं उसी कलर की शेडो हमें दिखाई देती है। ओके, द सेल वॉल हैज सेल्यूलोज प्लेट्स। लास्ट क्लास में हमारी उसमें जो लास्ट क्लास थी हमारी कौन सी थी, लास्ट क्लास थी हमारी क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में हमारी जो सेल वॉल थी वो कौन सी बनी हुई थी, सिलिका की बनी हुई थी। इसमें हमारी जो सेल वॉल है वो कैसी बनी हुई है, सेल्यूलोज प्लेट से बनी हुई है। ओके, दे हैव टू फ्लैजिला फॉर द मूवमेंट। इनके पास इनके दो फ्लैजिला होते हैं मूवमेंट के लिए। अब इनका सबसे एक अलग से जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है हमारा, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, वो है हमारा कि हमारा क्या होता है, एक डायनोफ्लैजिलेट होता है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स हमारा क्या है, एक रेड कलर का डायनोफ्लैजिलेट्स है। और ये गोनियोफ्लेक्स क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन करता है, और जिसके कारण ये पूरे ओशियंस पे, पूरे समुद्र में फैल जाता है। और जो हमारा समुद्र होता है, ओशियन होता है, वो हमें रेड दिखाई देने लगता है, जिसे हम कहते हैं रेड टाइड्स। और इस रेड टाइड्स के कारण हमारे पूरे ओशियंस में टॉक्सिन्स रिलीज हो जाता है एक बहुत बड़ी अमाउंट में, जिसके कारण वहां पर पाए जाने वाले सारे मैराइन एनिमल्स हमारे किल हो जाते हैं, लाइक फिश, ऑक्टोपस एंड अदर मैराइन एनिमल्स। ओके, ये इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड टाइड्स क्या होता है, ये किसके कारण होता है और इससे क्या हार्म्स होता है एक्वेटिक एनिमल्स को, तो सारे मर जाते हैं। थर्ड क्लास है हमारी यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स में हमारे मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये सारे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल के जगह पर इनके अंदर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, डेट इज कॉल्ड द पेलिकल, जिसे हम पेलिकल बोलते हैं। दे हैव टू फ्लैजिला, ए लॉन्ग एंड ए शॉर्ट। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिला और एक शॉर्ट फ्लैजिला फॉर द मूवमेंट। मोस्टली दे आर ऑटोट्रोफ्स एंड हेटरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स एंड हेटरोट्रोफ्स क्यों लिखा, दोनों ही क्या करते हैं, दोनों, जैसे एग्जाम्पल हमारा यूग्लिना ही है तो ये दोनों की तरह वर्क करता है। अगर इसे सनलाइट मिल रही है, ये सनलाइट को ड्राइव कर रहा है, तो ये वर्क करेगा एज ए ऑटोट्रोफ्स और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपना फूड बना लेगा। लेकिन अगर इसे सनलाइट नहीं मिल रही है तो जो ये बिहेव करता है वो करता है एज ए हेटरोट्रोफ्स और अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और जो यूग्लिना होता है इसके अंदर क्लोरोफिल मिलने के कारण ये हमारा जो हायर प्लांट्स होते हैं उनसे काफी आइडेंटिकल होता है। ओके, बाकी नेक्स्ट टू क्लासेस हमारी स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे।